हेलो गाइस, कैसे हो? मच करने वीडियो लेके आज गाइस मैं जा रहा हूँ झुड़जो में फिर से। और यहाँ पे बहुत सारे बंदे आ रहे हैं जैसे कि आपने आसमान में देख लिया होगा। तो भाई जल्दी से लैंडिंग कर लेते हैं और भाई गन के लिए भटकेंगे। और भाई उतरते के साथ ही मेरे को यहाँ पे M4 मिल जाएगी जो कि बहुत दिन से नहीं मिल रही भाई। मतलब बहुत दिन से, मतलब शुरुआत में भाई बेकार बेकार माल मिल रहा है, लेकिन आज तो बैरल और M4 शुरुआत में मिल जाते हैं मेरे को। तो यहाँ पे यार काफी सही चीज है। Level 2 की वेस्ट भी मिल चुकी थी मेरे को। सामने से फायरिंग की साउंड आ रही थी, थोड़ी बहुत यहाँ पे लूट करता हूँ मैं। और फिर सामने ये बंदा दिखता है, इसको यहाँ पे नॉक कर देता हूँ मैं। और भाई सामने से और भी खतरनाक फायरिंग आ रही है, तो भाई चलते हैं इससे पहले कि देर हो जाए और कुछ मिले बिना। फिर अब यहाँ पे गाइस एक और बंदा मेरे को दिखता है, उसको मैं अच्छा खासा डैमेज देता हूँ। लेकिन भाई अभी मेरे को बहुत भगाने वाला है, मतलब बहुत ही ज्यादा। अरे रुक जा भाई यार, मतलब ये बंदा भाग भी रहा था लेकिन नहीं भी भाग रहा था। मतलब ये बंदा यहाँ पे मतलब भाग के आया लेकिन यहाँ लूट करने लगा, यानी कि भाई मेरे ऊपर एम वगैरह ले। अब मेरे को नहीं पता ये मेरे से भाग रहा था या फिर लूट के लिए भाग रहा था, भाई कोई नहीं जान पाएगा। तो यहाँ पे गाइस मेरे को सामने से एक बंदे के फुटस्टेप्स आए थे वेयरहाउस में से, तो मैं जाता हूँ चेक करने। अब ये टमाटर आपको दिख गया होगा, पहले मैं मजे में पेटी खोल के देखता हूँ, लेकिन जब मेरे को ये टमाटर दिखता है ना भाई, मेरे दिल की धड़कन बढ़ गई थी कि भाई ये यहाँ बैठा है इतनी देर से, बंदे ने कुछ एक्शन क्यों नहीं लिया। लेकिन बेचारे दुबक के अपनी जान बचा रहा था शायद से। तो यहाँ पे गाइस जब सामने से आ रही थी फायरिंग, जा रहा था मैं और ये बोट दिख जाता है, तो इसको मारते हैं और फिर जाते हैं सामने, क्योंकि यहाँ पे गाइस काफी देर से फायरिंग आ रही है और कोई भाई S12 कैसे मार रहा है बहुत बुरी तरह किसी को। अब एक बंदे के भाई फुटस्टेप्स आते हैं सामने से जो कि डीपी रिलोड कर रहा है, डीपी रिलोड वो कर लेता है। और एक बंदे के मेरे को ऊपर से फुटस्टेप्स आते हैं जो कि कंटेनर के ऊपर चढ़ के बैठा है शायद से, इस सामने वाले कंटेनर के पीछे है, जो कि मेरे को दिख भी जाता है थोड़ा सा। मैं फायरिंग देता हूँ लेकिन यार वो कवर में जा चुका था। और भाई फिर ये वाला बंदा आता है, इसको मैं नोक कर देता हूँ। और एक और के फुटस्टेप्स आते हैं फिर पीछे से, और पहले मेरे को लगा था ये कंटेनर वाला बंदा और ये पीछे वाला बंदा एक है, लेकिन ये एक बंदे ने, क्योंकि भाई ये वाला बंदा जाता है डायरेक्ट है ना, और वो कंटेनर वाले बंदे के फुटस्टेप्स आते हैं मेरे को, जो कि टीप चलाता है यहाँ पे। लेकिन भाई इसको यहाँ पे नॉक कर देता हूँ मैं और अपने टीममेट को जल्दी से रिवाइव करता हूँ, क्योंकि भाई एक और बंदे के फुटस्टेप्स आ रहे साइड से। तो यहाँ पे मेरे को हल्का सा डर लग रहा था भाई थर्ड पार्टी ना हो जाए, मतलब इतने गलत टाइम पे। और यहाँ पे भाई देखो बस, वैसे कैसे आजकल बोट ने भी खौफ बना रखा भाई अपना, मतलब इतना बुरा डैमेज देते हैं ना, मतलब बिल्कुल असली बंदे की तरह। पहले इनका डैमेज थोड़ा कम होता था, लेकिन आजकल तो भाई जितना डैमेज बंदे देते हैं ना, मुझे लग रहा है उससे ज्यादा ही देते हैं ये, क्योंकि अभी आगे मैं आपको दिखाऊंगा एक एग्जांपल कि बोट कितना गंदा डैमेज देगा मेरे को। और फाइट के बीच में और आते हैं, मतलब बाद में आ जाया करो यार, पहले आ जाया करो, बीच में क्यों आना है? थर्ड पार्टी कर रहा है भाई बोट। अब सामने ये बंदा था, इसको मैं हल्का सा डैमेज देता हूँ और आते हैं हम कवर में, क्योंकि भाई बग्गी लेकर नहीं जाऊंगा, बग्गी पे बैठना तो भाई पाप है। देखो पीछे अब यहाँ पे कैसे देखना भाई, दो UMP की गोली में मेरी इतनी हेल्थ चली गई है बोट, तो सोचो भाई अगर बैरल वैरल होती तो क्या हाल होता मेरा, है ना। और थर्ड पार्टी वैसे कर रहा है, यहाँ पे फाइटिंग चल रही है सामने और भाई ये साइड से आके यहाँ डैमेज दे रहा है फोकट में। तो गाइज ये सही करा पबजी वालों ने कि भाई बोटों का डैमेज इतना बढ़ा दिया, या फिर गलत करा भाई मेरे को कमेंट करके बताना। मतलब थोड़ा बहुत बढ़ा देते भाई, इतना थोड़ी कि पूरा स्कैम ही कर दे साइड से। तो यहाँ पे गाइस मैं इन दोनों बंदों को फिनिश कर देता हूँ। और पीछे से यार कोई फायरिंग कर रहा है, टैप टैप कर रहा है बहुत देर से, तो जाएंगे वहां पे लेकिन हल्की सी लूट करने के बाद। तो यहाँ पे गाइस ट्रिपल स्टोरी से फुटस्टेप्स आते थोड़ी देर पहले बंदे के, तो हम आते हैं चेक करने। और यार अपार्टमेंट की साइड से एक बंदा बहुत देर से फायरिंग कर रहा था बहुत देर पहले, तो उसको भी देखेंगे, लेकिन पहले यहाँ पे चेक कर लेते हैं एक बार। और भाई ये भैया जी यहाँ पे भाग कर रहे थे पूरी तेज, तो उसको यहाँ पे नोक करता हूँ मैं, फिर जाता हूँ ऊपर। और भाई नहीं भाई सो जा तू आराम से, मैं चद्दर वद्दर ले आता हूँ तेरे ऊपर बिछा देंगे मजे में, सो जा भाई तू। मतलब ये बंदे इतने आलसी हैं भाई, मतलब असली जिंदगी में कोई आलसी हो तो चलेगा, लेकिन गेम के अंदर भी इतनी आलसपंती करनी है कि क्या ही कहूँ भाई। मतलब भाई गेम के अंदर तो थोड़ा सा हिलविल जाया करो। तो यहाँ पे थोड़ी सी लूट करते और निकलते फिर यहाँ से। तो यहाँ पे कैसे आते हैं मिल्टा में, लेफ्ट से कोई फायरिंग करता है बोट स्कैम टाइप, तो भाई चलते हैं।
और एक बंदा मेरे को बाना हाउस में दिख जाता है जो कि बड़े प्यार से मेरे को देख रहा है। चलते भाई उसका हालचाल पूछना। और यहाँ पे गाइस मेरे साथ ना इतना गंदा स्कैम होगा, मतलब देखो बस यार, मतलब क्यों होते हैं मेरे साथ इतने गंदे स्कैम, मतलब खतरनाक स्कैम होने वाला है। नोक कर देता हूँ मैं इसे और ये मेरे को बद्दुआ देके जाएगा। मतलब यहाँ पे इसको तो मैं फिनिश कर देता हूँ, कोई यहाँ पे नेड फेंकता है तो पीछे भागता हूँ सबसे पहले तो मैं। अब एक और बंदे के यार फुटस्टेप्स आए थे जिसने कि शायद से नेड भी फेंका है, तो उसको भी देखेंगे। लेकिन सबसे पहले मैं सोचता हूँ कि बार हाउस के जो ऊपर वो बंदा दिखा था उसको चेक करते हैं जाके। और भाई यहाँ पे देखो बस यार, मैं क्या ही बताऊँ यार, मैं यहाँ पे मैं फायरिंग करता हूँ लेकिन भाई कुछ हो ही नहीं रहता। फिर मैं देखता हूँ कि भाई मेरा टीममेट को क्या होगा, भाई ये मतलब ये एक जगह क्यों भाग रहा है इतनी देर से। और इसकी मेरे को साउंड आ रही थी, ये चिल्ला रहा था यहाँ पे कि भाई क्या कर रहा है तू। लेकिन भाई अब क्या ही करें, मेरे को सिर्फ साउंड आ रही थी, मैं यहाँ पे कुछ कर ही नहीं पा रहा था। मतलब मेरे को पता भी नहीं चल रहा भाई बंदे आ रहे हैं मेरे को मार रहे हैं, भाई क्या कर रहे हैं। किल फीड देख रहा था बस मैं कि मैं नोक हो गया हूँ, फिर मेरे टीममेट ने दो बंदे उड़ा दिए। मतलब खतरनाक ही सीन था यार, मतलब इतने गलत टाइम पे नेट भागता है ना। अब यहाँ पे गाइस हम काफी देर से भटक रहे थे, बहुत देर हो गई थी भाई भटकते हुए। और आखिरकार M249 DP हर प्रकार की गन तुम्हें इनके पास मिलेगी। तो ये पूरी फैमिली थी यहाँ पे और इन साल का सा डिस्टेंस मेंटेन करते हैं हम, क्योंकि M249 और DP है भाई, मजाक थोड़ी है, गाड़ी फूटने में टाइम नहीं लगेगा। तो अब गाइस मेरे को लगा था ये वाले बंदे मेरे ऊपर रश मारेंगे अब, लेकिन भाई ऐसा नहीं करते। तो मैं भी यार जाता हूँ उनकी तरफ कि भाई बंदे कहाँ चले गए। और फिर मेरे को गाड़ी दिख जाती है जो कि फूट सी चुकी है बेचारी थोड़ी सी। तो जहाँ तक भी यार बंदे इधर से आके फ्लैंक मारने की कोशिश करेंगे तो मैं पहले जाने की सोचता हूँ उनसे। और भाई मोली वोली फेंकी जा रही है भाई यहाँ तो। अब यहाँ पे इसको मैं नोक करता हूँ जल्दी से। एक और बंदा था वहाँ पे पेड़ के पीछे, लेकिन एक बंदे के सामने से फुटस्टेप्स आते हैं तो मैं जल्दी से लेट जाता हूँ, क्योंकि अगर वो मेरे को देख लेता ना, इतनी कम हेल्थ में, वेस्ट भी देख लो मेरी कैसी है, गया था भाई मैं। तो सबसे पहले भाई मैं स्मोक करता हूँ यहाँ पे और नेड आता है, काश ना मेरे पास आए। फट बच गया भाई, बच गया, मतलब मेरे को लगा था भाई फटा अब तो, क्योंकि हेल्थ भी वैसे कम थी। जहाँ पे गाइस मैं हीलिंग मार लेता हूँ, पेन किलर खा लूंगा और इतने में बंदा आ जाता है सामने से। और यहाँ पे लेट के फायरिंग कर रहा था शायद से मेरे टीममेट से। तू बहुत नेड फेंक रहा है, रुक अभी। ये वाला बंदा बहुत नेड फेंक रहा था भाई। यहाँ पे गाइस जब हम इन बंदों को फिनिश तो कर देते हैं जितने हमें दिखते हैं, लेकिन ये बंदे डायरेक्ट नहीं जाते। और भाई गाड़ी में जहाँ तक भी पूरी फौज ही थी यार। और फिर ये भी आता भाई M249 लेके, लेकिन ये वाला बंदा भी डायरेक्ट नहीं जाता यहाँ पे। और यहाँ पे गाइस तुम देखना वो जो भालू था ना, वो पहले जो मैंने निपटाया था भाई, वो इसकी M249 चुरा के हमारे ऊपर फायरिंग करने वाला है। थोड़ी देर रुको बस, पहले मैं यहाँ पे कवर में आता हूँ, यहाँ पे हीलिंग करने की सोचता हूँ, मतलब बूस्ट मारने की। सामने से कोई फायरिंग भी करता है उसको भी देखेंगे बाद में, लेकिन जैसी गाड़ी उठाते हैं सामने मेरे टीममेट को बंदा दिखता है, वो चिल्लाता है, लेकिन मेरे को बाद में दिखता है जब वो उतार चुका था मेरे M249 की आधी गोली। लेकिन यहाँ पे गाइस इसको फिनिश कर देता है। मेरे को नहीं पता भाई अपने टीममेट के M249 चुरा के लाया या फिर इसकी M249 थी। वैसे यार मेरे को इसके टीममेट के डब्बे में तो कुछ मिलता नहीं M249 वगैरह। तो जहाँ तक भाई अपने टीममेट के M249 लेके रिलोड विलोड करके मस्त यहाँ पे लेट गया था कि भाई जैसे आएंगे उन्हें निपटा दूंगा, खतरनाक ही था भाई सीन। लेकिन यहाँ पे गाइस बच जाते हैं और भाई इसकी M249 मेरी हो चुकी है। और सामने सर किसी ने SKS वगैरह चलाई थी तो वहां पे जाके रश मारेंगे। मेरे टीममेट को वैसे बंदा दिख जाता है, वो मार्क लगाता है, लेकिन यहाँ पे कोई ओग जलाता है और भाई किसी को निपटा देता है। और जहां तक भी मेरे को लग रहा वही वाला बंदा निपटाया गया है जो कि SKS वाला था। यहाँ पे मैं स्मोक में फायरिंग करता हूँ थोड़ी देर, लेकिन यहाँ पे शायद से कोई नहीं है भाई, क्योंकि चारों तरफ यार पेड़ के फायरिंग कर दी है, बंदा जमीन में तो घुसा नहीं होगा। खैर तो यहाँ पे कैसे हम थोड़ा सा दूर जाते हैं पहले, तो क्योंकि मैं सोच रहा था भाई थोड़ा दूर से ग्लिच हो जाते हैं, मतलब घास है तो क्या पता कोई नागिन वागिन दिख जाए, लेकिन कोई भी नहीं दिखता, बहुत देर देखते हैं यहाँ पे। लेकिन जहाँ से ओक की फायरिंग की साउंड आई थी फिर वहाँ पे जाकर रश मार देंगे। और यहाँ पे अभी भी चार बंदे अलाइव हैं, तो हो सकता है कि फुल स्कोर हो। तो हल्का सा देख के यार, गाड़ी की हेल्थ भी इतनी नहीं है। भाई ये वाला बंदा यहाँ पे सपेरा बन चुका था, लेकिन इसको नोक कर देते हैं, मतलब फिनिश ही कर देते हैं, एक बार के में चला जाता है बेचारा। और अब ढूंढते हैं बचे कुछ बंदों को। और एक बंदा भाई ग्लिच होता है सामने जो कि सांप बना पड़ा है, तो चलते हैं। वैसे थोड़ी देर पहले हम यहाँ से गए थे लेकिन कोई नहीं मिला था, पता नहीं कहाँ से आ गया भाई ये।
और ये वाला बंदा गाड़ी में से धुआं उठवा देता है, जिसके चक्कर में हम अब गाड़ी तो ले नहीं पाएंगे क्योंकि लास्ट में दो बंदे बच रहे हैं। अगर डीपीवी पे चला दी ना या M249 कुछ, मतलब कोई सी भी गन चला दी भाई, आधी हेल्थ तो कोई भी खा जाता है। और फिर यहाँ पे हम बंदे ढूंढ रहे थे और भाई नेट फोड़ता है कोई, तो बचलते हैं। मतलब घोसला सा बना के लेटा पड़ा था इसमें। तो कैसे था आज की वीडियो में, अगर आपको वीडियो पसंद आई तो भाई लाइक मार दो, सब्सक्राइब कर लो जो नए बंदे। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू सो मच गाइज़।